लॉस। सो गाइज, लॉस एक ऐसा वर्ड है जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से जरूर आता है, बट आपको वो पसंद नहीं है। आप कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में लॉस हो, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर मेंटली हो, बट होता ज़रूर है। चाहे वो बिजनेस लॉस हो, या फिर वो जॉब में लॉस हो, या फिर आपके रिलेशंस में लॉस हो, या फिर ट्रेडिंग में लॉस हो। गाइज, मैं उन लॉसेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं, वो तो होंगे, उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, बट जो हमारे हाथ में है, जो हमारी वजह से होते हैं, आज हम उन लॉसेस की बात करेंगे। सो गाइज, आपने अगर कभी भी अपनी लाइफ में ट्रेडिंग में लॉस फेस किया है तो अभी वीडियो ज़रूर देखना। आई होप इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ में लॉस जो वर्ड है एटलीस्ट ट्रेडिंग में से हट जाएगा, आप कभी लॉस फेस नहीं करेंगे, एंड अगर फेस करेंगे भी तो उसको टैकल करने की आपके पास ट्रिक होगी। जो मैं इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा, अगर आपने एक वीक तक भी फॉलो करी तो आप आई एम श्योर आप वो लॉस कभी दोबारा फेस नहीं करेंगे। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम आ गए एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। मेरे को बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं कि मेरे को लॉस हुआ है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैंने अपनी सारी कॉलेज फी ट्रेडिंग में लूज़ कर दी है, या फिर मैंने अपनी पूरी मंथली एक्सपेंस ट्रेडिंग में लूज़ कर दिया है, एंड मुझे पता नहीं है इससे बाहर कैसे निकलूँ, कैसे मैं अपने लॉसेज रिकवर करूँ। तो गाइस, सबसे पहले जो इससे भी इम्पॉर्टेंट है लॉस रिकवर से पहले, कि लॉस होता क्यों है, हम क्या उस लॉस को होने से रोक सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या लॉस एग्जिस्ट करता है? अगर आप ना चाहो तो क्या लॉस आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है? आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने फॉलो किया एक वीक या एक मंथ भी, आपको एक वीक में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट आप उसको फॉलो कीजिएगा एटलीस्ट एक मंथ तक, एंड उसके बाद में आप मुझे बताइए क्या ये ट्रिक आपको यूजफुल हुई, क्या आपको इससे फायदा हुआ। सो गाइज, बेसिकली करना क्या है, लेट सपोज आपके अकाउंट में $10 का डिपॉजिट है, आप एक बिगिनर है, आपने स्टार्ट किया है, या फिर आप दूसरा केस लीजिए, आपके अकाउंट में अच्छा खासा डिपॉजिट अमाउंट है एंड आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। ये दोनों केसेस पे अप्लाई होता है। अब इसके अंदर भी दो केस हैं। लेट सपोज आपके पास $10 है, आपने विद इन वन वीक $10 से $30 कर लिया, बट अब आपको ये नहीं पता इससे आगे कैसे ले आना है, क्योंकि जब आप इतना कर लेते हो उसके बाद में आपका क्या होता है, आप जब जहां पे पहले $1 या $2 की ट्रेड ले रहे थे, अब वहीं पे आप $5 या $10 की ट्रेड लेते हैं, एंड अपना जितना भी आपने प्रॉफिट किया होता है वो भी लूज कर देते हैं, एंड उसके बाद जो आपका डिपॉजिट अमाउंट रहता है वो भी आप लूज कर देते हैं, एंड आप लॉस में चले आते हैं। यहां से आपका लॉस आप खुद इन्वाइट करते हैं। एंड एक दूसरा केस हम लेते हैं जहां पे आपका डिपॉजिट अमाउंट $10 है, मैं भी $10 ले रहा हूँ गाइस, आपका जितना भी रह सकता है $30, $40, वो आप पे डिपेंड करता है जितना आपका डिपॉजिट रहता है, क्योंकि गाइस मुझे एज अ होल लेके चलना है ताकि सब इससे रिलेट कर सकें, इसलिए मैं $10 की अमाउंट ले रहा हूँ। लेट सपोज आपकी $10 का डिपॉजिट है एंड विद इन वन वीक आपका $10 से $0 हो जाता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $10 थी एंड अब आपका लॉस हो चुका है $10 का। सो गाइस, इन दोनों केसेस पे हम बात करेंगे। फर्स्ट केस, जो हमने $10 से आपने वन वीक में $30 कर लिया है, एंड अब इसके बाद में जब आप $5 या $10 या फिर उससे ज्यादा की ट्रेड लेने लग जाओगे तो आपको कभी कभी लॉस हो जाता है एंड आप अपनी डिपॉजिट अमाउंट तक भी लूज कर देते हो। तो गाइस, इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी जो डिपॉजिट अमाउंट है, चाहे वो $10 हो चाहे $20, अगर हम $10 ले रहे हैं हमारी डिपॉजिट अमाउंट, तो $10 के ऊपर जितना भी हमें प्रॉफिट होगा, लेट सपोज आपने $20 का प्रॉफिट किया विद इन वन वीक, तो आपका वन वीक के अंदर $10 से $30 हो गया। अब जो आपकी प्रॉफिट अमाउंट है, जो $20 आपका प्रॉफिट अमाउंट है, उसको आप हाफ कर दीजिए एंड जो आपकी डिपॉजिट अमाउंट है उसे प्लस कर दीजिए। जैसे कि आपका $10 डिपॉजिट अमाउंट है एंड जो $20 आपने प्रॉफिट किया उसका हाफ, मतलब $10, मतलब $20 अब आपको सेफ रखना है, एंड आपको जो ट्रेड लेनी है वो सिर्फ आपको $10 से लेनी है। जो आपकी डिपॉजिट अमाउंट थी, आप ये मान लीजिए कि वो मेरी सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट है और वो $10 ही है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो $10 डिपॉजिट में है एंड जो $10 प्रॉफिट है, जो कि $20 है, तो आपके सेफ रहेंगे। उसके बाद आने वाले जो $10 है उससे आप आगे ट्रेड्स भी ले सकते हैं एंड धीरे धीरे आप प्रॉफिट करके विद इन वन वीक आप $100 तक भी कर सकते हैं। एंड इससे आपका अगर लॉस उन $10 में लॉस भी होगा, तब भी आपके पास प्रॉफिट प्लस डिपॉजिट रहेगा, इसलिए आपके आपको मेंटली भी प्रेशर नहीं होगा एंड आप लॉस भी फेस नहीं करोगे। अब गाइस, जो सेकंड केस है, आपका $10 से $0 हो गया विद इन वन वीक, आपने स्टार्टिंग में किया, तो अब हम लॉस रिकवर कैसे करें? सो गाइस, इसके अंदर होता ऐसा है कि हमें स्टार्टिंग में गैम्बल लेना ही पड़ता है। अब इसके अंदर आप कर ही सकते हो कि जैसे आपका $10 का डिपॉजिट है, उसके अंदर आप $1-$1 की ट्रेड लो एंड हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए ट्रेड लो। जैसे टाइम लिमिट जो रहती है ट्रेड की, 1 मिनट को हटा के आप 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट की ट्रेड्स लो, क्योंकि जो शॉर्टर पीरियड्स की ट्रेड रहती है उसके अंदर कुछ फिक्स नहीं रहता, उसके अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहती है। बट आप थोड़े लॉन्गर पीरियड के लिए ट्रेड लोगे तो उसको आप अच्छे से जज कर पाओगे, अच्छे से मार्केट को एनालिसिस कर पाओगे, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। एंड जब आपका थोड़ा सा अकाउंट स्टेबल हो जाए कि आपके पास प्रॉफिट अमाउंट भी हो, इसके साथ डिपॉजिट भी हो, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो 1 मिनट की ट्रेड। सो गाइस, ये ट्राई करना, एक वीक तक ट्राई करके देखना, अगर आपको उससे प्रॉफिट होता है तो उसे एटलीस्ट एक मंथ तक कंटिन्यू करना।
एंड इस वीडियो में आपको नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो लाइक करो, आप एक बार ये ट्रिक को यूज करो एंड अगर आपको 1 वीक में इसका रिजल्ट मिलता है तब 2 मिनट के लिए चैनल पे दोबारा आना है, इस वीडियो को लाइक करना, उससे मुझे खुद पता चल जाएगा। एंड कमेंट में बताना जरूर कि मैंने आपकी ट्रिक यूज करके मेरे को प्रॉफिट हुआ है। सो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, आई होप आपको इस वीडियो के बाद थोड़ा आइडिया लग गया हो कि आप कैसे लॉस से बच सकते हैं एंड कैसे अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रिक को फॉलो करो एंड अगर गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड गाइज इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना, शेयर करना जिनको आपको पता है कि लॉस हो रहा है या फिर आपके सर्कल में आपके आसपास जिनको लॉस हो रहा है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।